मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसकी एक तस्वीर इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में देखने को मिली, जहां दूल्हा दुल्हन ने खजराना श्री गणेश से पहले कोरोना टीका लगवाया और उसके बाद भगवान से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लिया। देवास की महाकाल कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र मौर्य अपनी दुल्हन के साथ बुधवार की सुबह इंदौर के प्राचीन श्री खजराना गणेश मंदिर पहुंचे, लेकिन इस दौरान विघ्नहर्ता से आशीर्वाद लेने से पहले वह मंदिर परिसर में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, जहां दोनों ने पहले वैक्सीन का टीका लगवाया और इसके बाद भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद मंदिर पुजारी सहित प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने नव वर वधु की इस पहल की सराहना की और उसी के साथ उन्होंने सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना भक्तों के लिए खोल दिया गया है। श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर माननीय मनीष सिंह जी ने भक्तों के लिए यहां पर मंदिर बुधवार के लिए भी दर्शन के लिए खोल दिया गया है और यहां पर वैक्सीन सेंटर भी, एक भव्य वैक्सीन सेंटर भी बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु या दर्शन करने आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन अनिवार्य है। अगर आपको वैक्सीन लगा है तो प्रवेश दिया जाएगा, सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा या मोबाइल पे उसका मैसेज बताना पड़ेगा। जो भी श्रद्धालु अगर वैक्सीन नहीं लगी है वो खजराना गणेश मंदिर पहले वैक्सीन लगा दी है उनको, उसके बाद ही उनको दर्शन का मौका दिया जा रहा है। और यहाँ वैक्सीन सेंटर में भी आज सुबह से बहुत ही भीड़ है और अभी तक लगभग 350 वैक्सीन यहाँ पर लग चुकी है। गौरतलब है कोरोना के लंबे लॉकडाउन के बाद खजराना गणेश मंदिर आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है, साथ ही मंदिर परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया ताकि जिन भक्तों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें कोरोना का टीका लगाया जा सके। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।